है सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा का जोड़ा। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, चुनावी माहौल में सभी नेता विवादित बयान देते रहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो खासकर कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए हैं। आपने खुद ने भी देखा होगा, वो चाहे साक्षी मार्ग साध्वी प्रज्ञा हो या गिरिराज सिंह हो, ऐसे घिरे हुए बयान देते रहते हैं जो कि जात धर्म पर होते हैं। और ऐसा ही एक बयान गिरिराज ने दिया है। आपको बता दें कि जब गिरिराज ने यह बयान दिया तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मंच पर विराजमान थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुसलमानों को तो दफनाने के लिए 3 मीटर जगह चाहिए। देखिए कैसे गिरिराज राजनीति करते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता भी। इससे पहले भी गिरिराज सिंह ने जो बोला था कि जो भी मोदी को वोट नहीं देता वो देशद्रोही और पाकिस्तान चला जाए, ऐसा ही एक बयान कल दिया है गिरिराज सिंह ने। देखिए बयान। आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा में कहते हैं वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा, बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर के बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहन करके विष बबन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं कर सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, अरे गिरिराज के तो बाबा दादा सिमरिया घाट में गंगा के किनारे मरे और उसी भूमि पर फिर हमने कोई कब्र नहीं बनाया। तुम्हें तो 3 हाथ का जगह भी चाहिए, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो दूसरा देश कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत